बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माल्टा के हवाले से, और माल्टा के हवाले से जॉब के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही गौर सुन लीजिए। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उसको यकजा करके एक साथ आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहली बात यह है कि वर्क वीज़ा जो है लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो जवाब यह है कि यस, माल्टा बेहतर ही वर्क वीजा के लिए है। यानी कि माल्टा का जो वीजा का जो रेशो है, इसको हम देख रहे हैं तजर्बे के हिसाब से, तो हम अगर उसके ऊपर बात करते हैं, या आपने कभी नोट किया होगा हमारी वीडियोस के अंदर, तो जब मैं माल्टा की बात करता हूं तो मैं जॉब की बात करता हूं, और अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की या जर्मनी की या फ्रांस की या किसी और कंट्री की, तो हम टूरिस्ट वीजा की बात भी करते हैं, विजिट वीजा की बात भी करते हैं। कनाडा के हवाले से भी हम विजिट वीजा की बात करते हैं। लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं आपसे कहा कि आप माल्टा में विजिट वीजा लें। मैंने ये भी नहीं कहा कि आपको लेना नहीं चाहिए, ले सकते हैं, या माल्टा जाना नहीं चाहिए, जा सकते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं वो क्लियर करनी है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। वो ये है कि नंबर वन, अगर आपको विजिट करना है माल्टा का, आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है, मतलब आप एशियन हैं, आपके पास थाईलैंड, मलेशिया, ये चीज़ें, कंबोडिया, ये चार पांच, तो आप मलेशिया का डाल सकते हैं वीज़ा माल्टा का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेशो जो आप पूछते ना, रेशो कैसा है, तो हमने देखा ये है कि ज़्यादा सक्सेस नहीं आती है जब माल्टा में विजिट वीज़ा डालते हैं या टूरिस्ट वीज़ा डालते हैं। तो उसके लिए मुनासिब ये है कि आप शेंजन के बाकी स्टेट के अंदर वीज़ा डाल दें, स्पेन डाल दें, मिसाल दे रहा हूँ, कहीं और डाल दें जो भी खुला हुआ आपको मिल जाए, लेकिन यहां पर आप उसको अवॉइड कर लें। ये मेरा मशवरा है, जरूरी नहीं कि आप उसको माने, ये तजर्बे के बुनियाद पर कह रहा हूं। अब आप कहते हैं कि माल्टा में वो लोग इंटरेस्ट ले लें या लिया करें जो वर्क वीजा के हवाले से इंटरेस्टेड हों। फिर यहां पर आप कहते हैं कि वर्क वीजा कैसे हासिल होगा, तो वर्क वीजा ऐसे हासिल होगा कि आपको अगर खुद हासिल करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस बेस पर हासिल कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर फिर तजर्बा आ गया, तो एक मामला यह आ गया कि जो लोग हाई स्किल्ड हैं वो कामयाब है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी कि उनकी बहुत अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ी प्रोफाइल है, तो वो कामयाब नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसी बात कर दी, तो मैं साफ कह रहा हूं आपको कि जिन लोगों की सीवी बहुत भारी होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है, PhD किया हुआ है या मास्टर्स डिग्री है, और वो उसने बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया हुआ है, उसको माल्टा नहीं देता। मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिन लोगों ने ट्राई किया है, उन्होंने ट्राई कर लिया, उन्होंने देख लिया, मैं आपके सामने उनका रिजल्ट रख रहा हूं, ठीक है ना। और ये रिजल्ट आपको मैं जबानी रखता हूं, मैं दिखाता नहीं, किसी का भी डॉक्यूमेंट नहीं। फिर आप कहते हैं कि माल्टा में कौन लोग अप्लाई करें, माल्टा में वो लोग अप्लाई करें जो एवरेज लोग हैं, यानी कि जो लोग एवरेज हैं, और उन लोगों को हाइएस्ट सैलरी की तरफ नहीं जाना, लेकिन उनको अपने आप को यूरोप की तरफ लेके जाना है, शेंजन की तरफ लेके जाना है, स्टार्टर की तरफ लेके जाना है, तो फिर वो जो लोग हैं वो कामयाब हैं, उनको जॉब मिल जाती है। उनको पता है कि ये लड़का मुझे 900, 1000, 800 मिल जाएगा, टैक्स के बगैर बात करूं, टैक्स कटेगा तो आप 700, 750 पे आ जाओगे, ये भी पता होना चाहिए। तो यूरो की बात कर रहा हूं, तो जब आप इस पे आओगे तो आप कहते हैं ये तो सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। जी हाँ, आपको उस जगह पहुंचना चाहिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको, आप डे वन, यानी कि अभी तक आपने यूरोप में कदम नहीं रखा, तो आपको यह हक ही नहीं बनता कि आप सैलरी के ऊपर बात करें कि सैलरी कम है ज्यादा है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर पहुंचने वाली करें, ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा हूं। जब आप पहुंच जाएं, जॉब पकड़ लें, ईमानदारी से जॉब करें, 700 में होती है, आपका टाइम निकल जाएगा, आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा, आपकी रिहाइश निकल जाएगी, आपका खाना पीना हो जाएगा, आपकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप कहां पे बैठे हुए हो, आप माल्टा में हो तो आपके पास यूरोप का मामला है, वापस का गियर मत लगा लेना, रिवर्स गियर मत लगाना, वहां से आगे बढ़ जाना, नंबर वन। नंबर टू, यूरोप का वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है, या यूं कह लीजिए कि यू आर इन माल्टा, यू आर इन यूरोप, तो वहां से आप जिस तरफ भी मुड़ोगे आपका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो यूरोप होगा, यूरोप से होगा, तो यूरोप से कनाडा, यूरोप से यूएसए, यूरोप से यूरोप, दैट इज इजी। यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि ये बताइए कि वो क्यों हायर करेंगे, मतलब ऐसा क्या मामला आ गया कि वो हमें हायर करेंगे। तो मामला ये आ गया है कि जितने पैसों में एक पाकिस्तानी या इंडियन या श्रीलंकन या बांग्लादेशी जो है वो काम करने को तैयार है, इस कीमत पे उनको कोई यूरोप से तो ज्वाइन करने से रहा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी एक भी यूरोपियन नहीं करेगा। फिर आप कहते हैं वहां पर किसको जॉब मिलेगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि हाईस्ट प्रोफाइल के लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती माल्टा में, ये देखा गया है, ठीक है ना। मैं ये पूरे यूरोप से नहीं मिला रहा,
मैं माल्टा की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर आते हैं, होटल्स में आते हैं, या जो टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर जहाँ काम होते हैं, उन वो जो वहाँ पर जो आप देखते हैं फुटपाथ के ऊपर या साहिल किनारे तमाम चीज़ें जहाँ काम कर रहे होते हैं, उनमें जो आते हैं उन लोगों को जॉब ठक करके मिल जाती है और यही 800-900 वाला मामला होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसमें आप आ सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई सबूत प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, आपके पास इस किस्म का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। हमारा इंस्टीट्यूट भी ये ऑफर कर रहा होता है और ये जो है ये कोर्स आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अब जो मैं बात करता हूं कि आप अपनी बुकिंग करवाएं, अपनी बात करें, अपनी लिए आप देखिए, माल्टा पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये माल्टा वही कंट्री हमारे लिए है कि हम जब यूरोप के लिए जॉब अप्लाई करने की पोर्टल देते हैं, आपको काम करते हैं, तो हम यूरोप गोल्ड प्रोग्राम देते हैं, पूरा का पूरा यूरोप डाल देते हैं उसके अंदर। ये वही कंट्री है माल्टा जिसमें हमारे पास 3 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स हैं, माल्टा ब्लू, माल्टा अलग अलग करके, माल्टा प्लस, माल्टा नॉर्मल प्रोग्राम स्टैंडर्ड, ये तमाम प्रोग्राम इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोकस होता है और सब वर्क वीजा को टच करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एनरोल होना पड़ता है। मतलब आप जो लोग हमें ये कमेंट कर रहे होते हैं कि आप मेरा नाम डाल दें, सीवी डाल दें, मेरी प्रोफाइल बना दें, मेरा डॉक्यूमेंट आगे भेज दें, मेरे लिए फाइट करें, अगर हो गया तो मैं आपको जरूर फिर आपको फीस दूंगा, तो वो सिस्टम ऐसा नहीं है। मतलब आपने एडवाइज नहीं करना है हमारे ऑफिस को, हमारा ऑफिस आपको बताएगा कि ये तमाम काम कैसे होगा। क्योंकि अगर आपने ये सिस्टम करना है तो उस सिस्टम को आप कैसे कर सकते हैं खुद से, वो आप सीख लीजिए। फिर वो होगा ऐसे, आपको ऑनलाइन आना है जॉब प्लस के ऊपर, या देखें जॉब प्लस की वेबसाइट है, यहां आना है, अपने आपको आपने रजिस्टर नहीं करना, कोई ईमेल पासवर्ड मत डालिए, यहां पर आप सिंपली अपनी जॉब सर्च कीजिए, आपके सामने कंपनी आ जाएगी, कंपनी को ऑनलाइन सर्च कीजिए, उसको सीधे अपनी सीवी दीजिए, वो अगर आपको ऑफर करते हैं कि 800 में आओगे, 900 में आओगे, हाँ कर दो, हाँ करने के बाद आपकी पूरी रिकमेंडेशन हो जाएगी। खुद करनी हो तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपकी तो जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं बच जाएंगे, मगर पैसे खर्च होते हैं। अगर आप घर बैठ के भी अप्लाई कर रहे हो तो पैसे खर्च होते हैं, वो जो आपका पूरे का पूरा सिस्टम है, वीजा कॉस्टिंग है, वो तमाम चीजें हैं, टिकट है, प्रोटेक्टर है, जो भी मेडिकल है, जो कुछ भी होगा, खर्चा होता है, घर से बैठ के भी होता है, वो आप उनको नहीं कह सकते कि जी मैं पहुंच के दूंगा, ये कोई सुनने वाली बात नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप आते हैं jobsinmalta.com, तो यहां पर भी आप जॉब सर्च करके, कंपनी सर्च करके उनसे बात कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और यही काम हमारा पास अलग अलग पोर्टल्स में हमारे पास अवेलेबल होता है, आप हमारे ऑफिस से भी काम कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, जो नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर, यही वो नंबर हैं जिनकी आपसे अगर बात होती है तो उसको कबूल किया जाएगा, या आप समझदार हैं। अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है कि जी हम फाइव स्टार एविएशन से बात कर रहे हैं, अलग ओवरसीज सर्विस से बात कर रहे हैं, हमारे दो लाइसेंस हैं, ओवरसीज का अलग है और एजेंसी का अलग है, तो इनसे बात कर रहे हैं, तो आप हमसे सुन लीजिए, हम उनके नुमाइंदगान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर हमारे ऑफिस से काम करवाना होगा तो आप हमारे इन दिए हुए नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे कि जी आई एम इंटरेस्टेड, मुझे जॉब के लिए बात करनी है, वर्क के लिए बात करनी है, या मुझे डिप्लोमा के लिए बात करनी है, मुझे प्रोसेसिंग करवानी है, और उसको मुझे बताइए मैं किस तरह का हिस्सा बन सकता हूँ, किस तरह काम होगा, किस तरह काम करते हैं, वो तमाम चीज़ आप उनसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी मोहब्बत है, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, लेकिन वो उससे पर्सनल कर लिया करें। और जो क्यूरी वगैरह हो वो आप, ये जो फोन का मामला है उसमें ये है कि आप लोग जो फोन करते हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये ऑफिस कराची में है तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 से लेकर आप 5 बजे तक फोन टेलीफोन कर लिया करें। टेलीफोन पर करेंगे, मोबाइल पर करेंगे, कॉल एक ही है, तो टेलीफोन कर लिया करें। अगर ना लगे तो दोबारा कर लिया करें, आपका फोन लग जाएगा, टेलीफोन करेंगे तो आपको इंस्टेंट जॉब मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वो भी अलाउ है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल अलाउ नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो फिर आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा, वो टाइम के अंदर जैसी, क्योंकि हमारे पास हजारों मैसेजेस होते हैं रिप्लाई करने के लिए, आपकी बारी आएगी तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये मैसेज करेंगे कि एनीवन अवेलेबल फॉर चैट, तो देर इज नो अवेलेबल एनीवन फॉर चैट, आप अगर कॉल करोगे तो फिर आपसे बात हो सकती है, लेकिन कोई एसएमएस के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर चैट के लिए अवेलेबल नहीं है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, 2 दिन का वेट करें या 1 दिन का वेट करें, हमारी कोशिश होती है जल्दी जवाब दें, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी मैसेजेस चल रहे हैं, क्योंकि वो काम चल रहा होता है, आपको टाइम से जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ फायदा हुआ होगा, अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।